Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing well. So in today's video we will talk how to take care of hairs in summer. तो बहुत ज़्यादा hair breakage होते हैं, हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, दो भी बाल हो जाते हैं गर्मियों में. तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिलेगा. तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. मैं सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल नहीं दिखाऊंगी, बस आपको बताऊंगी वो चीज़ें आप ट्राई करके भी अपने हेयर फॉल को रोक सकते हो, जैसे कि मैंने रोका है. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें. तो सबसे पहला हमारा जो मेन रूटीन ये है हेयर का, कि हमें अपने हेयर को वीक में सिर्फ दो बार ही वॉश करना चाहिए, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो. बहुत ज़्यादा हेयर वॉश करने से हमारे जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, मतलब उनमें ब्रेकेज बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं ज़्यादा हेयर वॉश करने से. तो हमें ज़्यादा हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा नेचुरल हेयर ऑयल होता है वो सारे डैमेज हो जाते हैं बार बार हेयर वॉश करने से. तो अवॉइड करना चाहिए. और गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना होता है और बाल बहुत ज़्यादा गंदे भी होते हैं. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप बाल कम धो पर उसमें कोई हेयर मास्क लगाओ, जैसे कि एलोवेरा जेल का हो गया या कोई भी आप हेयर मास्क बना सकते हो. कोई सा भी, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर यही बनाओ, आप कोई सा भी हेयर मास्क, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देख के बना सकते हो. एंड थर्ड टिप ये है कि आप हमेशा कोई भी, मतलब जब भी कंघी करो बालों में तो हमेशा ऐसे वुडन की कंघी ही यूज़ करनी चाहिए. और दिन में 2 से 3 बार ज़रूर अपने बालों में ऐसे इससे कॉम्ब करो. इससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है, इससे हेयर ग्रोथ भी होती है. तो दिन में 3 से 4 बार हमें कॉम्ब करना चाहिए, वो भी वुडन कॉम्ब से, प्लास्टिक वाली कंघियाँ नहीं, क्योंकि उसमें बाल बहुत ज़्यादा फंसते हैं तो फिर खींचते हैं उससे बाल टूटते हैं. एंड थर्ड बात ये है जो कि है हमारे दो मुहे बाल से, तो बहुत ज़्यादा दो मुहे बाल हो जाते हैं आजकल, जिसके थोड़े से बाल लंबे होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें दो मुहे बाल भी होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो आपको समय समय से उसकी ट्रिमिंग करनी चाहिए. उसके अलावा कुछ रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़ जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने, क्या कहते हैं ना, लेंथ एरिया में. उसके अलावा आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं हर संडे को, या तो जब भी आपके पास टाइम मिले तो अपने लेंथ में. और जब भी हेयर ऑयलिंग करें तो हमेशा लेंथ में ज़रूर अप्लाई करें हेयर, क्योंकि उससे हमारे जो बाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो वो क्या कहते हैं दो मुहिल बाल थोड़े से कम होते हैं. तो हमेशा अपने लेंथ में भी वो ऑयल अप्लाई करना चाहिए. सब सोचते हैं कि बस यहाँ लगा लिया तो काम ख़त्म, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, हमें लेंथ में भी तेल अप्लाई करना चाहिए. लास्ट जो हैक है वो हमारा बन से रिलेटेड है. बहुत लोगों को, सबको गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा लगती है और लॉन्ग बाल जिसके होते हैं लंबे बाल तो वो फट से जूड़ा बना लेते हैं, जैसे कि मैंने भी बना रखा है क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती. तो इन्हें समय समय से खोल के इसमें कॉम कर लेना चाहिए. बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसे बन बना के रखने से जो हमारी हेयर लाइन्स हैं वो पीछे चली जाती हैं. मेरा माथा चौड़ा है, से मेरा यहाँ से स्टार्टिंग ही है. बाकी लोगों का ऐसा होता है कि हेयर लाइन्स पीछे चली जाती है बहुत ज़्यादा जूड़ा बना के रखने से. तो हमें टाइम टाइम से इसे खोल के इसमें कॉम कर लेनी चाहिए. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको कुछ भी जानना है या कुछ ऐसी वो क्या कहते हैं ना प्रॉब्लम्स है हेयर से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी.